हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो कि है चैम्फर कमांड। गाइस ऑटोकैड में चैम्फर कमांड काफी यूज है, काफी महत्व है इसके बारे में। जो इसके ऑप्शन है काफी ऑप्शन है, काफी तरह से हम चैम्फर कर सकते हैं, तो उस चीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस इस वीडियो में हम इसके डिटेल्ड बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले के एपिसोड आपने 1 से 17 तक 18 तक जो हमारे हो गए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चैम्फर कमांड है इस मॉडिफाई टूल बार में, यहाँ पे ये आपको चैम्फर कमांड मिल जाती है। गाइस सेकंड ऑप्शन है, आपको यहाँ से मॉडिफाइड में जाना है, उसके बाद ये चैम्फर कमांड आपको मिल जाती है। तो चैम्फर एंड फिलेट कमांड, तो आप इसके जो लोगो है या इसका जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, चैम्फर करता है तो आपको ये सीधा लाइन यानी स्लोप लाइन प्रदान करता है, दो एजेस को मिलाता है। गाइस जो फ्लैट होता है, फ्लैट में क्या होता है, राउंड शेप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं फ्लैट कमांड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम चैम्फर कमांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को अगर हम चैम्फर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसकी शॉर्टकट की आपको बता दें, CHA एंटर होता है, तो CHA देन चैम्फर लिख के आ गया गाइस, तो एंटर करेंगे तो गाइस इसमें हमें काफी ऑप्शंस हैं, अंडू है, पॉलीलाइन है, डिस्टेंस है, एंगल है, ट्रिम है एंड मेथड एंड मल्टीपल है। तो गाइस यू अंडू का क्या मतलब होता है, अगर हम यहाँ से अंडू करते हैं तो जो इससे पहले हमने कमांड दी थी उस कमांड पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है गाइस वो है आपका पॉलीलाइन का। पॉलीलाइन का मतलब है पॉलीलाइन अगर हम यूज करेंगे, ये वाला हमारा अगर पॉलीलाइन है तो जो भी हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं वो पॉलीलाइन होता है। पॉलीलाइन का मतलब होता है कि जो एक बार में सिलेक्ट हो जाए पूरा हो, तो वो उसको पॉलीलाइन बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम पॉलीलाइन के लिए पी एंटर करते हैं देन इसका जो डिस्टेंस है गाइस, डिस्टेंस हमें डालना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस नहीं डालते तो इससे पहले जो डिस्टेंस हमने डाली होगी, इसको प्रोवाइड की होगी गाइस, ये वही डिस्टेंस ले लेगा। ये देख सकते हैं, ये इसने वही डिस्टेंस जो हमने पहले डाल रखी थी वही डिस्टेंस ले लिया। अगर हम इसमें न्यू डिस्टेंस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिंपली देखो CHA एंटर, पॉलीलाइन के लिए पी एंटर, अब डिस्टेंस के लिए गाइस टी एंटर करना पड़ेगा, देन फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट लाइन जो भी हम इसमें सिलेक्ट करने वाले हैं, जो भी मानने वाले हैं, तो फर्स्ट चैम्फर जो हमारा रहेगा उसका डिस्टेंस हम डाल दे रहे हैं, जैसे हमने 4 डाल दिया, देन एंटर। अब सेकंड जो है, सेकंड चैम्फर का हम लेंथ डाल दे रहे 6.6 एंटर। अब गाइस ऑब्जेक्ट को हमें ओब्वियसली सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक जो लाइन होगी वो 0.4 होगी और एक जो होगी चैम्फर की वो 0.6 होगी। और इसमें आप देख सकते हैं लाइन में जो भी डिस्टेंस हमने प्रोवाइड की है वो अलग अलग आई है। तो यहाँ से हम आपको मेजर करके दिखाते हैं कि ये वाला पॉइंट है, तो इसमें ये वाली हमारी डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इस वाली लाइन की वो 0.4 शो कर रहा है, और सेकंड जो इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 0.6 है। तो गाइस इस तरह से ये हमें डिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट है एंगल। अब एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं REC एंटर रेक्टेंगल के लिए, और एक तरह के रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब गाइस हमें चाहिए देखो CHA चैम्बर के लिए CHA एंटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एंगल का, एंगल क्या करना है, एंगल के लिए A एंटर करना है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है गाइस कि स्पेसिफिक चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, जो भी हम फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें डिस्टेंस डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 0.3 डाल दिया,
0.3 डिस्टेंस डाल दिया किसी भी लाइन का। अब गहरा कह रहा है गाइस, जो भी आप लाइन फर्स्ट लाइन को मान रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, उस लाइन से आपको जो एंगल चाहिए वो चैम्फर एंगल कितने का चाहिए। तो हम गाइस इसमें मान ले 60 का डाल दे रहे हैं, तो 60 डिग्री का हमें इसमें चैम्फर चाहिए, देन एंटर कर दे रहे हैं। अब गाइस जो हमें फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करनी है, हम इसको फर्स्ट लाइन मान ले रहे हैं और देन सेकंड लाइन इसको मान ले रहे हैं। तो ये वाला जो आपका एंगल बनने वाला है ये 60 डिग्री का बनेगा, और ये वाली जो इसने डिस्टेंस ली है ये आपकी 0.3 एमएम ली है। तो अगर हमें इस लाइन से इस लाइन पे करना है तो सेम अप्लाई करेगा गाइस। तो इस तरह से अगर हम इसमें कर दें तो इस तरह से ही हो गया। अब इसको अगर हम आपको मेजर करके दिखा दें तो ये हम इसकी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, फ्री हैंड लाइन। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, आयल एंटर। ये सर गाइस लाइन के लिए आयल एंटर होता है। अब इसका जो है एंगल, एंगल आपको मेजर करके दिखाते हैं। इस तरह से आपका ये एंगल आ गया 60 डिग्री। जी हाँ, अब अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.3 आ गई। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसने अपने अकॉर्डिंग खुद ही ले ली कि इसके जो भी इसका एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम एंगल का भी निकाल सकते हैं। अब हमें अगर इसी एंगल पे मल्टीपल चाहिए यानी सभी में चाहिए, तो हम मल्टीपल के लिए भी एम का यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट में बताने वाले हैं। तो इससे पहले कि एक ऑब्जेक्ट और ले रहे हैं, आर ई सी एंटर ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट गाइस इसके बाद जो है हम सी एच ए एंटर। अब नेक्स्ट आपका ट्रिम है। ट्रिम और नो ट्रिम का मतलब क्या है? अब जैसे इधर हम जो भी बनाते थे गाइस ये हमारा ट्रिम हो जाता था पहले से, जो हमने ट्रिम इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा था। अगर हमें ट्रिम नहीं करना है, जीव की त्यों रखना है, तो हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। तो ट्रिम के लिए टी एंटर करना है। नेक्स्ट है गाइस इसमें आया है ट्रिम नो ट्रिम। तो अगर हमें ट्रिम नहीं करना है तो नो कर देंगे, नो मतलब एन, तो एन एंटर। अब गाइस इसमें हम जो भी कमांड देंगे वो हमारी कमांड ली जाएगी। तो हम चाहे आप एंगल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, पॉलीलाइन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैन आपकी ये तीन है, लेकिन इसमें आप ट्रिम में ट्रिम और नो ट्रिम कर सकते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, अगर आपको एक से अधिक करने हैं तो मल्टीपल में जाके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं एक बार में, वो भी हम करके अभी बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे नो ट्रिम वाला है, तो नोटरी में क्या है, आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले लें। तो डिस्टेंस के लिए डी इंटर 0.3 इंटर 0.3 इंटर। ठीक है, आप इसको जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा पहले इसमें जिस तरह से हम करते थे वो ट्रिम हो जाता था, ये भी ट्रिम हो गया था, ये भी सारे ट्रिम हो गए, लेकिन इसमें ये ट्रिम नहीं हुआ ये कॉर्नर। तो इसको गाइस नो ट्रिम करेंगे। अब हम जब तक ट्रिम नहीं करेंगे तब तक ये नो ट्रिम का ही कमांड लेगा, चाहे जितनी बार हम यूज करें। अब हम अगर एक बार मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट वाला देख के देखें तो क्या होता है, सी एच ए एंटर, मल्टीपल के लिए एम एंटर। ठीक है गाइस, पहले से हमारे पास जो ये वाली डिस्टेंस है डिस्टेंस वही रखेंगे। तो सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, इस तरह से हम मल्टीपल का यूज कर सकते हैं, मल्टीलाइन का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी कमांड्स अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको फिलेट कमांड की वीडियो देखनी है, इससे और भी अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचे और आप वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।